मल्टी कैप कैटेगरी में लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप सभी प्रकार के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि तीनों तीन मार्केट कैपिटलाइजेशन में इन्वेस्टमेंट मल्टी कैप कैटेगरी में होता है और सभी मार्केट कैप में मिनिमम 25% इन्वेस्टमेंट कंपलसरी है, यानी कि लार्ज कैप में 25%, मिड कैप में 25% एंड स्मॉल कैप में 25%, यानी कि मिनिमम 75% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होना चाहिए। फंड मैनेजर 25% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता है लेकिन 25% से कम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो ये थी जानकारी मल्टी कैप कैटेगरी के बारे में। तो हमारे इस NFO का बेंचमार्क है 5500 मल्टी कैप 50-25-25 इंडेक्स, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप की 500 कंपनीज के अंदर से इस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें 50% इन्वेस्टमेंट होता है लार्ज कैप में, 25% इन्वेस्टमेंट होता है मिड कैप में और 25% इन्वेस्टमेंट होता है स्मॉल कैप में।